हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट पोएट्री, शायरी, स्टोरी, म्यूजिक सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मैं रस्सी बांध दी, फिर मैं रस्सी काट दी, मैंने कहा देख शौक बड़ी चीज़ है, तो ऐसे मेरे को लाइक फील करना है। तो मैंने पूरा प्लान बना लिया कि मेरे को सुसाइड कैसे करना है। तो मैंने कहा अच्छा, मैं नेट पे देख लिया सुसाइड कैसे करना है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, तो एक स्टूल चाहिए, एक रस्सी चाहिए और एक पंखा चाहिए। पंखा मेरे घर पे, मुझे रस्सी और स्टूल चाहिए। मैंने कहा ठीक है, परफेक्ट प्लान, सुसाइड करते हैं। तो मैंने पापा से मांगा, मैंने बोला पापा कि मेरे को 1000 रुपये दे दो, मेरे को स्टूल खरीदने और रस्सी खरीदने। पापा ने कहा पहले पानी की बोतलें भर दे तो फिर खरीद लियो। मैंने बोला ठीक है, मैं पानी की बोतलें भर दूंगा, पहले पैसे दे दो, मैं आके भर दूंगा। तो मैं दुकान वाले के पास गया, मैंने खरीद लिया, मैं सामान खरीद लिया। मैं अपने रूम पे आया, मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया और मैं अब रस्सी लगा रहा हूँ। मैंने पंखे पे रस्सी लगा दी, मैंने स्टूल भी लगा दिया, अब मैं स्टूल के ऊपर चढ़ चुका हूँ। सडनली मेरे पापा दरवाजे से आ गए, अब उनने रस्सी और स्टूल देख लिया और मेरी फटी। लाइक मेरी फटी इसलिए क्योंकि पापा मारेंगे कि तू सुसाइड कर रहा है। एंड द प्रॉब्लम इज व्हेन यू डाई इन सुसाइड, ठीक है, यू डाई फ्रॉम योर सोल, बट वेन योर पेरेंट्स हिट यू डाई फ्रॉम हियर। एंड आई एम सो स्कैर्ड, लाइक बहुत, मतलब एंड में मेरी बहुत फटी हुई है और अब पापा मेरे को देख रहे हो, मैं ऐसे पापा प्लीज प्लीज प्लीज, और पापा आप देख रहे हो, या पापा मेरे को कह रहे हैं देख लिया सब। पानी की बॉटलें भरी तूने? मैंने कहा लेकिन मैं तो मरने था, आप उसका कुछ नहीं, नहीं लेकिन देखो तो पता है शौक बड़ी चीज़ है, ठीक है, तेरे को पता ही। अब मैक्सिमम क्या चीटिंग है, फर अरे मैक्सिमम ना। तो हमने लाइक 10th क्लास का एग्ज़ाम था, तो हमने बहुत मस्त प्लान बनाया चीटिंग करने का, ठीक है। तो मैंने अपने दोस्त को कहा देख कोई सीन नहीं है, हम मस्त प्लान बनाएंगे। तो मैंने कहा देख एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, मैं रुमाल ले जाऊँगा एग्ज़ाम में, रुमाल में सारे आंसर लिख लूँगा, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में जाऊँगा, छींक मारूंगा, आंसर शीट पे कॉपी कर लूँगा, कोई फर्रे नहीं, कोई कुछ नहीं, परफेक्ट प्लान, कोई नहीं पकड़ पाएगा, परफेक्ट प्लान कोई नहीं। अब द प्रॉब्लम है स्कूल में ना रूमर्स फैलते हैं चाइनीज़ विस्पर की तरह। तो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड राहुल को बता दिया, राहुल ने अपने बेस्ट फ्रेंड को बता दिया। अब 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में सब रुमाल लिया है, अब एग्जामिनेशन हॉल में सब छींके मार रहे हैं। अब एक टाइम अब सर पूछ रहे सब छींके क्यों मार रहे हैं, राहुल उठ के बोला सर ऐसे सर शौक बड़ी चीज़ है। तो अब सब छींके मार रहे हैं, अब सीन समझ में आ रहा है, मतलब सीन ऐसा हो गया कि ये ले टू भी कॉपी कर ले, ऐसे मतलब नोजियों में मिल रही, थूके थूकों में मिल रही है। तो सीन ऐसा हो रहा है, अब एग्जाम में सब चीटिंग कर रहे हैं सिवाय राहुल के, क्योंकि राहुल रुमाल लाना भूल गया। अब राहुल सेम चीज़ कर रहा है रफ पेपर के साथ और उसका क्लियर दिख रहा है कि वो चीटिंग कर रहा है। तो अब सर कह रहे हैं मैं तेरा पेपर छीन लूंगा, ये वो। अब राहुल फट गया, अब राहुल की डर गया, अब राहुल कह रहे सर प्लीज़ सर पेपर में छीनो सर, घर फेल हो जाऊंगा, घर वाले मारेंगे सर प्लीज़। हाँ लेकिन शौक तो बड़ी चीज़ थी, दे ले क्या हुआ अब। तो अब ऐसा पूरा सीन चल रहा है, अब राहुल सर को धमकी दे रहे, सर अंडी मंडी शंडी जिसने पेपर छीना उसकी माँ की सब्जी मंडी। ये सुन के सर 2 कदम पीछे हो गए, तेरे को कैसे पता मेरी माँ की सब्जी मंडी वाले। अब ऐसा पूरा सीन, अब इतने में राहुल की वाह वाह हो गई क्लास में, राहुल चौड़ा हो गया। अब पूरी क्लास करिए राहुल 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 राहुल, आधी क्लास को समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। अब आधी क्लास करिए मोदी मोदी मोदी। इतने में इंविजिलेटर बहुत खुश हो गया, वो कह रहा है अनमन कटोला राहुल का सबसे बोला। इतने में ऐसा सीन चल रहा है। अब मिले के मैंने तुम लोगों को बताया था रूमर्स इन स्कूल स्प्रेड लाइक चाइनीज उस पर। तो अब ये सब छीके यानी वंडी ये सब सुन के 10th B में अलग रूमर फैल गया। 10th B में रूमर फैल गया कि स्नेकदा और स्नेहा बच्चों को लैप डांस दे रही हैं। एंड आई एम लाइक लेकिन हमारा बॉय स्कूल है यार। तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आज मैं एक और जोक कर लेता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट ब्रेकअप। तो अच्छा किसी का ब्रेकअप हुआ है लाइक एनी वन? सारे के सारे प्लेयर हैं, सब प्लेयर हैं यहाँ पे। अच्छा हुआ है तो लाइक तो मेरा ब्रेकअप हुआ, तो लाइक माय ब्रेकअप वाज रियली टफ,
ठीक है, वो बहुत टफ, लाइक इट वॉज रियली टफ फॉर मी। और तो मैं बताता हूँ ब्रेकअप में क्या होता है। मैं ऐसे गाड़ी में बैठा था और मेरे को मोमोज बहुत पसंद है, मैं मोमोज खा रहा था, लाइक मेरे को पसंद है, मैं मोमोज खा रहा था गाड़ी में बैठा था, और सडनली उसका, और आई थिंक गाइज इन जनरल नेवर अंडरस्टैंड वेन दे आर ब्रेकिंग अप, लाइक उनको समझ में नहीं आता, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड ओके क्या कॉन्वर्सेशन चल रहा है। तो शी कॉल्ड अप, शी लाइक हाय तुम कैसे, उन्होंने मस्त, तो उन्होंने कहा दिस नॉट वर्किंग आउट। मैंने कहा हाँ मोमोज बहुत बेकार है। शी लाइक नहीं मैं मोमोज की बात नहीं कर रही। मैंने कहा चटनी भी बहुत बेकार है। शी लाइक नहीं मैं चटनी की बात नहीं कर। मैंने कहा उज्जवल आई वॉन्ट टू ब्रेक अप। लाइक ओ शेट भैया आप यू टर्न ले लो। और फिर अब देन शी गॉट रियली इमोशनल, और फिर वो कहने लगे कि यू नो आई रियली लव यू, एंड कहती आई मिस यू सो मच, एंड कहती आई थिंक वी एक्सेप्ट द लव वी डिजर्व। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, एंड शी सेड कि मैं भूल नहीं सकती किस तरह तुम मेरे ट्यूशन के बाहर खड़े रहते थे कि मुझसे सिर्फ 5 मिनट मिल सको, किस तरह, उस पर हंसना नहीं था ऐसे, किस तरह तुम ऑटो के पैसे बचाते थे ताकि तुम मेरे लिए चॉकलेट खरीद सको। और फिर कहती कि एवरीबडी कैरीज अ बैगेज एंड वी नीड टू फाइंड समवन हु कैन अनपैक इट फॉर अस एंड यू विल फाइंड समवन टू। एंड फिर मैं इमोशनल हो गया, एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग। एंड देन शी उसने पूछा तुम क्यों रो रहे हो। पता नहीं मोमोज में पुदीने की चटनी किसने डाली। गुड, मजा आया, ठीक है चल। अच्छा बंद, हाँ मैंने उसको कहा तुम तो बोलती रहो, तुम तो अच्छा बोल रही थी, तुम क्यों रो रहे हो। थैंक यू सो मच।